अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप इलेक्ट्रो स्क्वाड। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पुली। तो अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने स्लिंगशॉट वाला मिशन एंड किया था इस गेम के अंदर, और रात का टाइम हो गया था। तो अभी फटाफट से चलते हैं सोने, तो सुबह उठ के फटाफट से मिलते हैं। तो बिना किसी इंतजार के फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स किक ऑफ। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं अपने बेड पे से। क्लास का टाइम भी होने वाला है, तो फटाफट से अपनी क्लास की तरफ चलते हैं भाई। क्लास का टाइम तकरीबन 8:30 पे शुरू हो जाता है, तो अभी फिलहाल नया टास्क करते हैं जब तक क्लास का टाइम भी हो जाएगा। छोटा सा टास्क होगा, अ लिटल हेल्प। तो अभी हमारा नया टास्क क्या, लिटिल हेल्प। लास्ट टाइम भाई हम लोगों की एंट्री हुई थी पुलवर्थ एकेडमी में, और हम लोगों ने धोया था एक बहुत ही सारे बच्चों को, बहुत ही गंदे तरीके से धो दिया था। वो लोग हमारा अगर टिक नहीं पाए थे, हम लोगों ने कुछ नई मूव्स भी सीखी थी, क्लासेस भी ली थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, वहाँ से आगे प्रीवियस गेम प्ले देख लो। तो अभी यहाँ पर इसकी बात हो रही है, इसको स्किप करते हैं, हमें पता चल जाएगा हमें अभी क्या करना है। गाइस एक तो गेम बहुत लोलेट है, लुक फॉर द होबो बिहाइंड द ओल्ड स्कूल बस। ओल्ड स्कूल बस के पीछे होबो है कोई। मैं गर्ल्स टॉम में गलत जा रहा हूँ, मुझे इस साइड पर जाना है स्कूल की तरफ। ओल्ड स्कूल बस जो है वहां पर कोई होबो नाम का लड़का शायद से हमारा वेट कर रहा है, तो हमें उसके पास जाना है फटाफट से। तो अभी तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर तो कोई होबो लड़का नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है शायद से हमें जैसे जंप मार के जाना होगा। ओ भाई यहाँ पर ये लोग, तुम्हारी तो इनको कूदना पड़ेगा गाइस यहाँ पर, क्योंकि ये लोग ऑटो शॉप में बदतमीजी कर रहे हैं। तुम्हारी तो ये भी है ना, कौन है कौन है कौन है, ये मारो उसको मारो। अबे मुझे अपने बंदे को नहीं मारना, मुझे इसको मारना है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे दोस्त को बुली कर रही है। इसकी तो खोपड़ी तोड़ो। और फिर और भी लड़के आ गए भाई, इनको तो सबको ठिकाने लगाना पड़ेगा। आ रहा आ रहा रो रिवर्सल। भाई कूटो यार इसको, अब इसको कूटो पहले, जल्दी कूटो। मैं जिमी कूट यार, इसको भी कूट देते हैं फटाफट से। यहाँ पर बीन गोला पड़ी हुई है, बीन गोला पी लेते हैं ताकि हमारी रिफ्रेशिंग हो जाए। वैसे हेल्थ तो फुल है, हेल्थ को फुल करने के लिए हम लोगों को बीम गोला पीनी पड़ती है। अभी फिलहाल इसने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन मैंने इसको दौड़ डाला। तो अभी इस तरफ से चलते हैं, शायद इधर से भी रास्ता बंद है। फालतू में हमने इनके साथ बीड़म भाड़ी करी है भाई। यहाँ पर स्टिक की बॉम्ब्स मिल गए हमें फिलहाल। ये मुझे लग रहा है यहाँ से हमें जंप करके जाना होगा, यहाँ से जंप करने की जगह भी नहीं है। स्कूल बस के अंदर ही जाना है शायद से हमें। स्कूल बस का दरवाज़ा भी खोल दिया है। ओ स्कूल बस के पीछे से एक और दरवाज़ा खुलता है जो कि इस बैकयार्ड में जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान भी नहीं है। Dirty old perv. You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. Guys, Gary हमारे साथ साथ हर जगह जा रहा है, हम लोग मदद कर रहे हैं। ओ गाइज ये आदमी जो है वो होबो है भाई। ये कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई ये शराबी है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसकी मदद हम लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। फाइंड द ट्रांजिस्टर। तो अभी फिलहाल मैंने वो कटसीन तो है स्किप कर दिया है, मैं फटाफट से अपने स्कूल के डोर पे चलता हूँ। मेरी क्लास का टाइम भी हो चुका है, लेकिन अभी क्लास गाइज नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम लोग मिशन पर हैं। यहाँ पर सर ने हमें देख लिया है, वो जो प्रीफेक्ट है। तो अभी इस दीवार जो टूटी हुई है इसे जंप करते हैं और ट्रांसिस्टर ढूंढते हैं पहले, तो क्योंकि अभी हमें ट्रांसिस्टर ही ढूंढना होगा और बहुत ही एहतियात से ढूंढना होगा, क्योंकि गाइस सारे प्रीफेक्ट्स हमारे पीछे हुए हैं, क्योंकि हमारी इस टाइम क्लास का टाइम होता है। तो अभी फिलहाल स्टेयर से फटाफट से क्लाइम करते हैं ऊपर रूफ पे। ट्रांसिस्टर शायद से हमें यहीं पर ही मिलेंगे। तो ये ट्रांसिस्टर मिल चुके हैं, 1 of 6 रेडियो ट्रांसिस्टर्स फाउंड। तो अभी फिलहाल हम लोग आराम से नीचे उतरते, क्योंकि अगर मैंने वहां से जंप मारी ना तो आप लोगों को पता है फिर
भाई साहब ये लड़के मुझे कूटे ना, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ साइड से। गुड गुड गुड। तो अभी हम लोगों को फटाफट से उस खोबो के पास जाना है वापसी, उसको ये ट्रांसिस्टर देने के लिए। तो अभी यहाँ से जंप कर लेते हैं फटाफट से, मुझे बहुत ही ध्यान से जाना होगा यहाँ से, क्योंकि ये प्रीफेक्ट यहाँ पर राउंड लगा, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए प्रीफेक्ट हमारे पीछे पड़ेगा। वो बिल्ली कर रहा है उसको, भाई प्रीफेक्ट हमारी क्लास का टाइम है, इन बच्चों की क्लास का टाइम नहीं है, इसलिए वो कितनी इजीली यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई इसको हमने ट्रांसिस्टर ला के दे दिया, इतना बड़ा हमने अपनी पॉकेट के अंदर डाला कैसे भाई? आप लोग कॉमेंट्स में जरूर बताना इसका जवाब, कि इतना बड़ा ट्रांसिस्टर हमने अपनी पॉकेट के अंदर कैसे घुसाया। शायद से हमें ये ताई जी इसको अपर कट मारना है, ये थोड़ी सी मूव समय सिखा रहा है। गाइस इसने थोड़ी सी हमें मूव सिखाई है, अपर कट अनलॉक। तो हमारी एक नई मूव, ये क्या जिम टीचर है क्या, ये एथलीट है कोई? भाई ये हमें नई मूव सिखा रहा है यार, रेसलर तो नहीं रह चुका ये। तो अभी फिलहाल हम लोगों की क्लास का टाइम है, तो फटाफट से चलते हैं अपनी क्लास में। भाई यहाँ पर मैं अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, इस प्रीफेक्ट ने मुझे पकड़ लिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट 2 क्लासेस ली थी, इंग्लिश की और आर्ट की। इंग्लिश में हम लोग फेल हो गए थे, लेकिन जिस क्लास में हम लोग फेल होंगे भाई उसको हमें दोबारा से करना होगा। तो मैंने इंग्लिश की क्लास दोबारा से कर ली थी और उसमें पास हो गया था। ड्रॉ बॉक्सेस विद योर पेंसिल टू एक्सपोज द हिडन पिक्चर। अभी हमारी ये आर्ट की क्लास है, क्लेम एज मच ऑफ द कैनवस एज पॉसिबल विदाउट गेटिंग इन पाथ ऑफ द एनिमीज। तो एनिमीज ये हैं फ्लोटर, क्रॉलर, एक्सप्लोरर, ये हमारे एनिमीज हैं और ये पावर अप्स हैं। ओके तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोगों को अभी सीधी लाइन बनानी है। नो 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 नो, बन गई बन गई बन गई भाई। ओह मैन ड्रैगन। ओके ओ भाई साहब, गाइस ये लास्ट टाइम है हमारा। ओ भाई व्हाट द थिंग मैन, हम लोग ये वाली क्लास फेल हो चुकी है गाइस। इतना आसान था मैं, कोई बात नहीं चलो खैर है। अब ये आर्ट क्लास जैसे हम लोग की गाइस फेल हो चुकी है ना, तो अगली टाइम हमारी जब ये आर्ट क्लास होगी तो हमें टोटल ऐसी 5 क्लासेस लेनी है। और जब भी हम लोग किसी क्लास में फेल होते जाएंगे तो इसका मतलब है हम लोगों को वापसी पीछे जाना पड़ेगा वो क्लास लेने के लिए। यानी आर्ट की पहली क्लास में जब हम लोग नहीं पास हुए तो इसका मतलब है हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। इसमें पूरा हमें कैनवस जो है उसके ऊपर ड्रॉ करना थी ड्राइंग, लेकिन हमारा तकरीबन 70% कैनवस जो है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हम लोग एक आधी पिक्चर बनाने में यार गाइस फेल हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जो है सेव एल्गी, एल्गाई, एल्गाई नाम है, एल्गी नाम है शायद, ये किसी फीमेल का नाम होगा, लड़की वड़की का। So, no? You're the new kid, huh? पर ये तो एक मोटा बच्चा है यार। And what are they saying? इसे कोई ग्रीन कलर का स्वेटर पहना हुआ है, शायद से ये हमारे से जूनियर क्लास में है या तो सीनियर क्लास में है। स्कॉट एली इनटू द स्कूल, भाई इसको स्कूल के अंदर लेके जाना है। अभी तो फिलहाल इस टाइम आप लोग क्लॉक में लेफ्ट साइड में टॉप पर देख सकते हो, टेक आउट द पुलिस। भाई बच्चे इसको बुली कर रहे हैं, हमें इसको भाई इन कामों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। आ जाओ जिमी भाई साहब एक्सपर्ट है, इनको तो मैं बताता हूँ। कर जो इसको बुली करने आएगा वो बहुत कुटेगा। वो ना उसके पास चला गया। गाइस आप लोग राइट साइड में ग्रीन कलर का बार देख पा रहे हो, ये उसका टेम्परेचर बार है। हमें इसको फिलहाल स्कूल के अंदर लेके जाना होगा और क्लॉक के बॉर्डर्स पर आप लोग रेड लाइन देख पा रहे हो, वो जो रेड लाइन है वो इसके बाथरूम निकलने का भाई टाइम है। अगर वो टाइमर ख़त्म हो गया तो भाई हम इसका बाथरूम निकल जाएगा। तो अभी हम लोगों को इसको बाथरूम में ही लेके जाना है शायद से। So, we wanna be friends? भाई हमारे पीछे पीछे आ जाए चुपचाप।
इसको लेडीज बाथरूम में क्यों लेकर आना है? गाइस मुझे नहीं लगता इसको लेडीज बाथरूम में लेके जाना पड़ेगा, कि लेडीज बाथरूम में तो ये अंदर ही नहीं जाएगा। फिलहाल तो वो लोग अभी लेडीज बाथरूम का ही दिखा रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसको ऊपर वाले बाथरूम में लेके जाने वाला हूँ। ऊपर की तरफ एक मुझे बाथरूम का पता है, जो कि यहाँ से शायद से सामने की तरफ है। ओके ओके ओके, मुझे यहाँ पर बाथरूम दिख चुका है और शायद इसी बाथरूम में ही है एलगा ही आएगा। ओके कम इन मैन, अच्छा आजा आजा आजा, हाँ आजा आजा। ओके जाओ जाओ जल्दी बाथरूम जाओ, भाई आ ही नहीं रहे कब से मैं बोल रहा हूँ, कीप द बाथरूम क्लियर। ओके ये बच्चे तो चल जा चुके हैं, अब शायद कोई बुलीज आएंगे इसको कूटने, क्योंकि उन्होंने बोला कीप द बाथरूम क्लियर। कॉपी बाथरूम में फड्डा करेंगे, इनको क्या करें, बिठा दें इनको। ओ ओ ओ, 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 ओ भाई टूट रहा टूट रहा भाई, इसको अपरकट मारते हैं, रुक जाओ। ओके अभी जो हमने नई मूव सीखी है इसको अपरकट मारते हैं, आजा 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 करीबा करीबा, ये ले ए ये ले, तू भी आएगा तू भी ले, ये ले तू भी ले, ये ले तू भी ले, अपरकट निकलो तुम लोग। भीम गोला पी लेते हैं जो इसके पास से निकली है। अभी फिलहाल भाई कितना टाइम हो गया, अभी तक ग्रीन करके बाहर नहीं आया ये, कहीं कितना पानी पीता है यार। ओ ओके ओके ओके, कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या भाई, ये अब भी तो बाहर आ गया, अब स्कूल से खुद ही बाहर जाइए, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई इसको, इसको इसके लॉकर तक लेके जाना है। ओके कम ऑन आ जाओ, अभी तो क्लास का टाइम भी नहीं हुआ है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं चुपचाप इसके लॉकर के पास, अपने लॉकर से कोई सामान वामान निकालेगा और बुक्स निकाली है, इसकी मैथ्स की बुक निकाली है और इसने हमें कुछ कैश दिया है इसकी मदद करने का। यू पास डिवाइड $5, बुली रिस्पेक्ट -10, ओके नर्ड रिस्पेक्ट +5। ओके गाइज अगर हम लोग बच्चों को बुली करेंगे तो हमारी बुली की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और अगर हम लोग बच्चों की मदद करेंगे तो हमारी नर्ड रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और गाइज मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, अगर हम लोग रेगुलरली क्लासेस देंगे, अगर हम लोगों की क्लास का टाइम हुआ डिफेंड बक्की, तो हमारा नेक्स्ट स्टार डिफेंड बक्की है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर हम रेगुलरली क्लासेस लेंगे और क्लासेस हम लोग अच्छी तरीके से लेते हैं, अच्छे तरीके से पास करते हैं, हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, क्लासेस को फुली तरीके से पास करते हैं, तो हम लोगों को हमारी नर्ड रिस्पेक्ट जो है वो नर्ड रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी, और हम लोग बड़े बच्चे जो हैं उनको अपोलोजाइज उनसे अपोलोजाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उनसे माफ़ी अच्छी तरीके से मांग सकते हैं। पिछली दफ़ा आप लोगों को याद है, हम लोगों ने जिन लोगों ने वीडियो देखी उन लोगों को याद है कि हमें रसल को चैप्टर वन का एनिमी भाई रसल, उसको हमें पैसे देने पड़ गए थे क्योंकि वो हमें बुली कर रहा था, हमने उससे माफ़ी मांगी लेकिन उससे पैसे भी मांगे। तो अगर हम लोग क्लासेस लेंगे रेगुलरली तो हमें उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हम लोग अपोलॉजी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को शायद से क्लास की तरफ जाना है क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया है। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जो कि है शायद से पीछे। भाई मैंने अभी अपने आप को प्रिफेक्ट से पकड़वा लिया था ताकि वो मुझे डायरेक्ट ही जिम की क्लास में छोड़ दे, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रिफेक्ट से पकड़वाते हो तो आपको डायरेक्ट ही आपकी क्लास में छोड़ देता है, तो ये एक अच्छा तरीका है, मुझे ऑन द वे इतनी दूर तक जिम की क्लास में जाना नहीं पड़ा। तो अभी फिलहाल हमारी जिम की क्लास है और हम लोग जिम का कॉस्ट्यूम पहन के आ चुके हैं, जो भी हमारा इसका कॉस्ट्यूम है। इसको तो देखो भाई अपना स्ट्रैप तो सही कर ले यार। तो अभी शायद हमें ये हमारे जिम के टीचर हैं भाई, गंजे से बनियान पहना हुआ और शॉर्ट्स पहने हुए इन्होंने। आर से ग्रैपल करेंगे, ग्रैप कर लिया, राइट कंट्रोल से हेड बट मारेंगे। ओके अभी हमें कोई नई मूव सिखाई थी शायद उसने, हेड बट अनलॉक। ओके हेड बट भी हमारा अनलॉक्ड हो चुका है। व्हाट अ कॉम्बो कंट्रोल भाई, एक दो तीन, एक दो, ओके ओके दोबारा से पकड़ो, एक दो होल्ड थ्री, ये चीज फिर से पकड़ो, एक दो ये तीन हेड बट।
3 hit charge combo. Yeah, cheese. Defeat Fatty using your wrestling moves. Okay, जो अभी हमने सीखी है भाई उससे ही मारेंगे इसको. Headbutt पड़ा पहले तो इसको, उसके बाद इसको पकड़ा, एक दो ये ले, उसके बाद फिर से इसको पकड़ा, खड़े होने दो इसको, ये headbutt. अब ये बुक्के में डील करेंगे, ये ले चल खत्म. भाई इनमें बच्चों को मारना भी है गाइज. तो जिम की क्लास हमारी फाइनली पास हो चुकी है भाई. ये तो मैं इजीली पास करूंगा क्योंकि इसमें न्यू मूव सीखनी है और आराम से मैं इस मोटे को हरा दूंगा. तो आगे की इसकी क्लास भाई हार्ड होने वाली है. आप दो स्क्रीन पे देख सकते हो कि 5 क्लासेस हैं. इसी तरह हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स की 5 क्लासेस पास करनी और सारी की सारी एक्टिविटीज में. अभी मुझे ये इन्होंने कहाँ छोड़ दिया भाई, ये शायद से जिम का बाथरूम, वो जिम का वॉशरूम है. ओके, जिम का चेंज रूम है. तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, जिम से बाहर. बास्केटबॉल कोर्ट है ये तो, जिम्स के नीचे है भाई. बास्केटबॉल कोर्ट में ही हमारे जिम की क्लास भी होती है. व्हाट सीन मैन. ओ ओ भाई सौ बच्चा गाइस ये देखो. भाई गाइस बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे नीचे, ये बच्चा मेरे पीछे पड़ गया. लड़का बहुत बड़ी एज का है तो मैं अभी इसको कूद नहीं सकता क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मेरे जिम की इतनी स्किल्स, मेरी फाइटिंग स्किल्स भी इतनी अनलॉक नहीं हुई हैं. तो अभी फिलहाल इसको हम लोग नहीं हरा सकते. नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बीट रसल. तो रसल को हम लोग ऐसे तो अभी हरा नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को जिम की क्लास तो लेनी पड़ेगी और हमें बुली और नर्ड रिस्पेक्ट दोनों बढ़ानी पड़ेगी रसल को हराने के लिए. तो अभी नए टास्क की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट से, अपने नए टास्क की तरफ चलते हैं बॉयज डॉर्म में. बाद में रुक क्यों गया पता नहीं. समटाइम्स पीपल विल वॉन्ट यू टू रन एन एरन फॉर देम, दे विल हैव अ ब्लू एरो अबव देयर हेड एंड अपीयर एज अ एक्स ऑन द रडार. तो यहाँ पर ये मुझसे हेल्प मांगने आया है टारगेट पर. अबे मुझे इसकी मदद नहीं करनी भाई अभी. टेक पीटर पैकेज टू बेट्री. या आई गेस सो, थैंक्स गाइस. अभी हमें मजबूरन इसकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि ये गेम की स्टोरी लाइन का एक हिस्सा है. टेक पीटर पैकेज टू बीट राइस. तो इसका पैकेज हमें बीट राइस तक लेके जाना है. गाइस मैं जैसे ही बॉयज डॉर्म के अंदर एंटर हुआ तो फालतू में मेरे पीछे आ गया भाई और गेम वालों ने मुझे बोला भाई इसकी मदद करो यार. तो अभी हमें लड़की तक इसका पैकेज पहुंचाना है भाई. क्या क्या लेटर वेटर दे रहे हैं. तो लड़की तो हमें बाहर ही मिल गई, गर्ल्स डॉर्म के हमें अंदर जाना नहीं पड़ा. ये ट्रेस पार्किंग करते हुए हमें अंदर गुस्सा नहीं पड़ा. तो अभी हम लोगों ने इसको दे दिया चुपचाप और इसने हमें शायद कुछ पैसे वैसे दिए हैं. $5 मिल चुके हैं भाई इस एरेंट्स के. तो अभी जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हमें एरेंट्स से हम लोग थोड़े बहुत मिशन कर लेंगे छोटे मोटे. ये स्टोरी लाइन मिशन नहीं है, कोई मेन नहीं है. जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हम लोग ये वाले छोटे मोटे मिशन करके अपना गुजारा बस सारा कर लेंगे. तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर की तरफ. और यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला था कि इस केमिस्ट्री सेट से मैं फायर क्रैकर बना सकता हूँ. तो हमें फायर क्रैकर मिल चुके हैं. अभी जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फायर क्रैकर की मदद से भाई बहुत सारे बच्चे जब आ जाएंगे तो उनको मारूंगा. गुड इवनिंग गाइस, अब एंड होने वाला है. तो अब भी अपना फटाफट से नया टास्क स्टार्ट कर लेते हैं. डिफेंड पर्की. फटाफट से इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग गट सीन्स होते हैं. असल काम तो हम लोगों को बाद में आगे की तरफ करना होता है. फाइंड बकी एंड हेल्प हिम आउट. तो अभी फिलहाल हमें बकी नाम के लड़के को ढूंढना है और उसकी मदद करनी है. तो अभी फिलहाल फटाफट से चलते हैं बकी को बचाने के लिए. गाइस नीचे रसल को मारने के कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं. अभी तक हमने जिम क्लास से इतनी मूव्स नहीं सीखी हैं कि हम रसल को वहाँ पर धो डालें क्योंकि अभी हम अगर रसल से लड़ेंगे ना तो हमारी बुली रिस्पेक्ट भी इतनी नहीं है कि कोई लड़के हमारी मदद करने आएंगे. तो यहाँ पर कुछ बुलीज जो हैं वो रसल को पीट रहे हैं, रसल को सॉरी बक्की को पीट रहे हैं.
अभी ये लड़का बेसबॉल बैट लेके इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो अभी इसको कूदते हैं। तेरी तो मारा इसको, मार कैसे मारा मेरे दोस्त को है, मेरे फ्रेंड को मारा कैसे? तो अभी ये फिलहाल बेसबॉल बैट हम लोग पिक कर लेते हैं, ताकि कोई रास्ते में अगर हमें तंग करने के लिए आया तो उसको धो डालेंगे भाई। ओ भाई साहब, तो फूट डाला मुझे, इससे बेसबॉल बैट छीनता हूँ मैं। ये देखो, ये छीना मैंने बेसबॉल बैट और ये इसके लगाया। मारेगा मेरे दोस्त को, मारेगा ये ले, डंडा ले, डंडे से मारूंगा तुझे। तू भी आ गया, तू मुखे का। नीचे एक और बेसबॉल पड़ा हुआ है, बैट पड़ा हुआ है, पर उसको हम लोग यूज़ करेंगे पाकी बुलीस के लिए। हेल्प बकी गेट इन द गैराज। तो अभी गैराज का गेट फटाफट से ओपन कर लेते हैं। बकी को गैराज के अंदर क्या काम है भाई इसको? तो अभी बैट को फटाफट से यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि गैराज को खोलने के लिए हमें चीज़ों को फेंकना पड़ेगा और दोनों हाथों का जोर लगा के गैराज के दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा। हेल्प बकी एस्केप आउट ऑफ द शॉप एरिया। आउट ऑफ शॉप एरिया से भाई बकी को बचाना है हमें। और यहाँ पर और से बहुत सारे बुलीज आ गए, और एक वो खड़े हुए, आओ आओ इधर आओ तुम लोग। ये ले बक्की को मारेगा। ओ ओ ओ, उसने मुझे डाउन कर दिया भाई। इसको तो बताता हूँ मैं, इन लोगों को तो मैं ऐसे ही बताऊँगा। मैंने गुस्से में वो चीज़ तोड़ दी भाई। इधर आओ तुम, तो तुम्हारी तो बैर उठाओ गाइस, बैर उठाते हैं और अब इसको बताते हैं। ये ले, ये तो एस्केप विद बक्की। तो अभी फ़िलहाल ये बेसबॉल बैट पिक कर लेते हैं, ताकि और कोई बुली अगर रास्ते में हमें मिल गया तो भाई बुली चल। गाइज इन्होंने ऑटो शॉप वर्कशॉप एरिया का गेट भी बंद कर रखा था, कोई खोलो भाई गेट। ओ भाई, इस होबो को हमने बचाया था, इस होबो के काम किए थे, तो इस बंदे ने हमारे लिए गेट खोल दिया। ये बस के पीछे वाले एरिया में रहता है, जो कि स्कूल से सेपरेट है। बुल्ली रिस्पेक्ट हमारी -10 हो गई है और नर्ड रिस्पेक्ट हमारी +5 हो गई है। ने बेड से उठ चुके हैं और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock, और हम लोग चलते हैं फटाफट से नया टास्क करने के लिए। 9 AM पे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, तो फटाफट से एक टास्क कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन के की वजह से भाई बक्की ने हमें दी थी एक स्केट बोर्ड, जो कि हमारी मदद कर सकती है ईजी ट्रैवलिंग में। हम जल्दी से कहीं ना कहीं भाई जल्दी से पहुंच सकते हैं, तो अभी फटाफट से नए टास्क के लिए। ओ ओ भाई, स्केटबोर्ड स्टेयर्स पे चलाना गलत था। तो अभी फटाफट से गर्ल्स डॉम के अंदर मैं पहुंच चुका हूं अपना नया टास्क करने के लिए। और गर्ल्स डॉम के अंदर भाई सारी लोग हमसे डर रहे हैं, क्योंकि हम लोग, आपको पता है जाहिर सी बात है, लड़के हैं, तो गर्ल्स डॉम के अंदर हमारा क्या काम है। तो अभी यहाँ पर दो लड़कियों की बहस हो रही है और वो उसको कुछ पेपर्स हैं उसके हाथ में, वो दे नहीं रही है। तो अभी इसको स्किप करते हैं, और यहां पर शायद से हमें किसी लड़की की मदद करनी होगी। तो यहां पर अभी फटाफट से गैरी हमारे पीछे क्या कर रहा है भाई, हम अकेले रहते हैं यहां पर। गेट सम स्टिंग बॉम्ब्स फ्रॉम फैटी। स्टिंग बॉम्ब्स के मेरे पास नहीं है। ओ, मेरे पास स्टिंग बॉम्ब्स नहीं है, मेरे पास फायर क्रैकर्स हैं और दूसरी थिंग्स है। तो अभी फिलहाल हमें स्ट्रिंग बॉम्ब्स लेकर आने हैं। 9 AM पे हमारी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 9 o'clock होने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो फटाफट से चलते हैं स्ट्रिंग बॉम्ब्स लेने। अभी फटाफट से अपनी क्विक राइड का इस्तेमाल करते हैं, स्केट बोर्ड, जो कि हमें थोड़ी सी हेल्प करेगी जल्दी वहाँ पर पहुँचने में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं लाइब्रेरी। भाई गिरने से बच गया मैं। तो यहाँ पर इस बंदे के पास पहुँच चुके हैं मोटे अड़िया से, दे नहीं रहा था यार तमीज़ से। तो अभी फ़िलहाल हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, क्योंकि बेल जो है वो रिंग हो चुकी है ऑलरेडी। और अगर प्रीफेक्ट ने हमें देखा तो भैया हमें पकड़ के क्लास में छोड़ने की करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने नेट टास्क के ऊपर हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा अभी टास्क करने पे। भाई ये बड़े लड़कों का इलाका है, देखो आप देख रहे हो एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स एरिया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बड़े लड़के ही होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जिम के अंदर। भाई जिम के अंदर हमारी अभी कोई क्लास नहीं है, हमें मैंडीज लॉकर और लैब नोट्स लेने हैं। मैंडीज लॉकर को ब्रेक करना है, और मैंडीज लॉकर, ये गर्ल्स लॉकर है, गर्ल्स का चेंज रूम है, और यहाँ पर है मैंडीज का लॉकर।
तो अब इस लॉक को हमने पिक करना है और मैंडी का लॉकर खोल के वो लैब नोट्स लेने हैं जो कि उसने उस लड़की से चुराए थे। तो अभी फिलहाल शायद यहाँ पर कोई प्रीफेक्ट आ रहा है, ये मुझे ना पकड़ ले, इसलिए मैं यहाँ पर छुपने की करूँगा। इससे बचना पड़ेगा भाई, बट यहाँ से अभी फटाफट भागना पड़ेगा क्योंकि सर है ना, सर मेरे पीछे आ रहा है। इस प्रीफेक्ट को तो मैं बाद में देखूँगा, अभी तो फिलहाल बाहर चलते हैं। भाई अभी मेरा वॉयलेंस लेवल हाई रोल है क्योंकि यहाँ पर प्रीफेक्ट मुझे ढूंढ रहा है। अभी फटाफट चलते हैं भाई उस तरफ, उसको उसके नोट्स देने के लिए। तो गाइस यहाँ पर खड़ी है वो लड़की और उसको उसके नोट्स मैं वापस ला के दे देता हूँ। चलो भाई थोड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, थोड़े पैसे भी चाहिए भैया, मेरे पास पैसे भी बहुत कम है। ओ व्हाट इज दिस मैन, बीट राइस नाउ लाइक्स यू। तो इस लड़की का नाम बीट राइस है भाई। इस लड़की को हमने बचा लिया है गैंगस्टर से। विल एक्सेप्ट योर गिफ्ट वंस अगेन लाइक्स यू, शी विल ऑलवेज एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स एंड वांट टू किस यू। ओ ये तो भाई ये रियल लाइफ में होता है। तो अब भी फटाफट से चलते हैं हम लोग क्लास लेने, क्योंकि आपने आपको प्रीफेक्ट से पकड़वा लेते हैं। चलो भाई प्रीफेक्ट साहब हमें पकड़ लें, ये अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा ताकि ये चुपचाप मुझे छोड़ दे क्लास के अंदर। इसने मुझे कर दिया है बस्ट और मैं चला जाऊँगा बायोलॉजी की क्लास नंबर वन में। बायोलॉजी की हो चुकी है क्लास नंबर वन, क्लास कब से स्टार्ट हुई भी है और हम लोग इतनी लेट आ रहे हैं, तो प्रीफेक्ट वो हमारे ऊपर चिल्ला रहा है। लेकिन सारे बच्चे भी भाई अभी आए, हमारा वेट कर रहे थे सारे बच्चे, क्योंकि उन्होंने अभी तक गाइस यहाँ पर हमें शायद कोई प्रैक्टिकल करना है बायोलॉजी में, तो फ्रॉग की डायरेक्शन यहाँ पर हमें करनी होगी। तो अभी फिलहाल फटाफट से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन। फटाफट से यहाँ पर हमें लगानी है चारों लेग्स पर, दो उसके हाथ हैं और दो उसके लेग्स हैं, तो उन पर लगानी थी हमें पेन। और फटाफट से अब हमें उसकी स्किन कट करनी है, तो फटाफट से उसकी कर लेते हैं स्किन को कट। और अब हमें उसकी यहाँ से खाल पूरी खोल लेनी है और फटाफट से यूज़ पिन टू सिक्योर स्किन क्लैप्स, हमें यहाँ पर लगा लेनी है पिन। उसके बाद यूज़ मैग्नीफाई टू आइडेंटिफाई हार्ट। तो गाइस ये डायसेक्शन मुझे आती है क्योंकि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की क्लास में मैंने इधर उधर देखी है कि फ्रॉग की डायसेक्शन कैसे करनी होती है। वैसे मैं तो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि हार्ट, स्टमक और एक और चीज़ इंटेस्टाइन निकालना होगा। तो अभी हम लोग हार्ट निकाल लिया है और अभी स्टमक की बारी है। टाइम हमारे पास 1:41 रह गए हैं, तो फटाफट से हमने यहाँ पर कर लिया स्टमक को कट और फटाफट से यहाँ से इसके अपन लेके स्टमक को उठा के डाल देते हैं इस प्लेट पे और आइडेंटिफाई द इंटेस्टाइन। तो अभी इंटेस्टाइन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कट करना है हमें पूरे इंटेस्टाइन को। यहाँ पर प्रोफेसर बोल रहे हैं अगर हम लोग को गलती करते हैं, तो प्रोफेसर बोल रहे हैं अपना टाइम लो और आराम से करो। भाई टाइम तो उन्हें 2 मिनट का दिया है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो अगर कोई नया बच्चा होगा, ये देखो यहाँ ने अपने इंटेस्टाइन उठाया और अब हम लोग को मिली शाबाशी और हम लोगों ने कर दिया बायोलॉजी की क्लास नंबर वन पास। तो फटाफट से आप भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तलाशी। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी लोट रही है स्क्रीन का, इसलिए इरिटेट करता है क्योंकि मसल शर्ट अनलॉक। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर, ये देखो गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जिमी के कपड़े चेंज करा दिए हैं और अभी ये बच्चा मेरे पीछे आ गया और वो बच्चा मेरे पीछे पड़ा हुआ है जिसको हमने बाथरूम में जाके शायद से वॉशरूम कराया था। ये वही बच्चा है जिसको वॉशरूम आना था और रात में हम लोगों ने जाके इसको सुबह में शायद वॉशरूम कराया था। तो अभी चलते हैं अपने फटाफट से नए स्टार्स की तरफ और उसको करके फिर करते हैं हम लोग अपने और टास्क। तो गाइस अभी मैं कर रहा था, जा रहा था और इन्होंने मेरे ड्रेस कोड की वजह से मुझे छोड़ दिया है भाई म्यूजिक क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा, तो इन लोगों ने मुझे फालतू में पकड़ के भाई मेरी क्लास का टाइम हो गया था और मुझे छोड़ दिया इन लोगों ने म्यूजिक क्लास के अंदर। म्यूजिक क्लास भाई पहली दफा भी आई है, तो
और लोग पढ़ो वक्त से, भाई देख लेते हैं म्यूजिक क्लास हमें कैसे करनी है। गेट रेडी बिगेन। लेफ्ट एल टी राइट एल टी, लेफ्ट एल टी राइट एल टी, लेफ्ट एल टी राइट एल टी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। साइड के यहाँ पर बज रहा है म्यूजिक और 4% आ रही है। मैं सही से म्यूजिक बजाना वरना म्यूजिक हो जाएगा पच। हमारा परसेंटेज लिखा रहा है, मैंने परसेंटेज की तरफ अभी इधर नहीं भाई, क्योंकि मैं इधर ध्यान लगा रहा हूँ, इधर काफ़ी ख़राब ये चीज़ें। तो अभी इतना तो मुझे नज़र आ रहा है डेढ़ हुई भी है परसेंटेज, अभी हमें सही से बिल्कुल क्लास अपनी करनी है। थोड़ी सी गैर बत्ती करी हम लोगों ने तो भाई काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक मोटी टीचर जो खड़ी है ना पीछे हमें मार देंगी। तो अभी हम लोगों ने 78% क्लास को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पास किया है, और अभी टीचर हमें दे रही है शाबाशी। और फटाफट से हो चुकी है हमारी ये वाली भी क्लास, और पिंक की बोर्ड टी शर्ट जो है वो हमारी अनलॉक हो चुकी है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ फटाफट से। तो गाइस रात हो चुकी थी और मैं आके सो गया था अपने बॉयज डॉर्म के अंदर, अपने रूम पर्सनल रूम के अंदर, जिसका दरवाज़ा भाई हमेशा खुला रहता है। भाई पर्सनल रूम का दरवाज़ा सबका, आप देखो यहाँ पर सब जो जाते हैं ना, ये देखो सबके गेट बंद हैं, कोई अंदर जाएगा तो उसके घर वो रूम का गेट बंद हो जाएगा, लेकिन मेरे रूम का गेट हमेशा खुला रहता है। और गाइस एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर फायर अलार्म बजा देते हैं हम लोग, ये देखो 3 2 1 अलार्म बजा दिया, अब सारे बाहर भाग रहे हैं, देखो सब बाहर भाग रहे हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। बाय द वे 9 o'clock बज चुके हैं और अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हमारी क्लास रियो को स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तुम लोग निकल जाओ, पर मैं जाऊँगा, देखो ये लोग निकल रहे हैं तो मैं नहीं निकल सकता। देखो पहले सारे निकलेंगे, उसके बाद मैं निकलूँगा, अब मैं निकल सकता हूँ। ओके गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर अपने बॉयज डॉर्म से, और फटाफट से चलते हैं भाई अपनी क्लास लेने के लिए। फटाफट से जो लास्ट टाइम हम लोगों को वही स्केटबोर्ड मिली थी उसी स्केटबोर्ड से चलते हैं और फटाफट से अपनी क्लास लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें गेट की तरफ नहीं जाना, हमें जाना है स्कूल के अंदर जहाँ पर है हमारी एक और क्लास। तो फटाफट से चलते हैं अपनी क्लास लेने के लिए। तो अभी गाइस मेरे पीछे ये प्रीफेक्ट पढ़ चुके हैं, और इनको तो ये देखो, इनकी तो मैं ऐसी खत्म स्टिकी बॉम मारूंगा, और अब बदतमीजी करीब हो जा रहा हूँ ना भाई, क्लास में जा रहा हूँ भाई, अभी क्लास का टाइम हो चुका है, अभी कोई टास्क वर्क नहीं कर रहा मैं, अभी क्लास में जा रहा हूँ भाई। इन लोगों से अपने आप को पकड़वाता हूँ, ये लोग मुझे क्लास में पढ़ देंगे भाई, आराम से पकड़ाओ, मैं रिवर्सल नहीं मारूंगा, जो मुझे क्लास में छोड़ दो भाई। मैं जान दीजिए बस्ट हो चुका हूँ, ताकि ये मुझे छोड़ दें क्लास में भाई। इन्होंने छोड़ दिया मुझे केमिस्ट्री क्लास नंबर 2 में। आपको लास्ट वीडियो से याद होगा हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास नंबर 1 ली थी, अगर नहीं देखी है तो वही लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक देना है, तो फटाफट से जाके देख लो। व्हेन एन एक्शन आइकन अपीयर्स परफॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन। ओके W D W S S S A S. भाई क्या अल्फाबेट सॉन्ग गा रहा हूँ, S D W A S W W Yes, भाई केमिस्ट्री क्लास तो इंतहाई ईजी थी। सबसे ज़्यादा भाई मुश्किल है आर्ट की क्लास, क्योंकि आर्ट की क्लास में होते हैं एनिमीज जो हमारे मार्गन के बीच में आ जाते हैं और हमें पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं करने देते। तो अब भी फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि होने वाला है दी कैंडी रेस। तो फटाफट से चलते हैं इससे पहले कि भाई क्लास स्टार्ट हो जाए दूसरी, हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टास्क। गाइज हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारे स्कूल में ही है, लेकिन गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इसमें कि कुछ टास्क ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि हम लोग को रात में करने हैं। तो अब भी यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट इसने एक पोस्टर लगा दिया है
यहाँ पर वॉल पर, लेकिन यहाँ पर इसको एक बड़े जो लड़के भाई ग्राम वगैरह में होते हैं जिनको हमने एक दफा स्लिंग शॉट से मारा था लास्ट वीडियो के अंदर, भाई वो इसको तंग कर रहे हैं यार। तो यहाँ पर इसको गला पकड़ लिया, गो टू दी ऑडिटोरियम बैल्कनी। तो अभी फिलहाल फटाफट से चल रहे हैं हमें ऑडिटोरियम बैल्कनी पे, वहाँ पर भाई पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर स्केट बोर्ड मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये स्कूल है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यहाँ पर भाई मारे ना होंगे। मैं बाद में तुझे देखूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना। क्या मसला है, क्या मसला है, क्या मसला है भाई? टाइम पूरा होने वाला है लेकिन ऑडिटोरियम बालकनी में मुझे एंट्रेंस क्यों नहीं है? यू मिस्ड अर्नेस स्पीच, व्हाट क्या हो गया भाई? स्पीच ली तो थी मैंने। दोबारा जाओ भाई, दोबारा भाई, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं गेम, इस मिशन को। सॉरी उसका दरवाजा खुल नहीं रहा था गाइस, और फटाफट से चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑडिटोरियम का दरवाजा खुल के नहीं रह गया हमारे लिए। यहाँ पर मुझे शायद कोई पंचे मारना है इन लोगों को, पहले फूट दें। ऑडिटोरियम का दरवाजा मेरे लिए खुल के नहीं रहा है, वाई इज इट ओपन? मुझे कहाँ से जाना होगा ऑडिटोरियम के दरवाजे में? वाई यू मिस्ड अर्नेस स्पीच? शायद मैं स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर नहीं हूँ इसलिए मैं ऑडिटोरियम में जा नहीं पा रहा। तो फटाफट स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके आ जाते हैं गाइस। वहाँ पर हो चुका है हमारी क्लास का टाइम, वो फटाफट से चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। वो लोग पीछे से प्रीपैक भी पीछे आ रहा है, वो भी देख रहा था हम लोग कहाँ पर है। मैंने ही चेंज कर लिया था अपना स्कूल यूनिफॉर्म, शायद इसी वजह से मैं ऑडिटोरियम के अंदर एंट्री नहीं मिल पा रही है मुझे। तो मैं फटाफट से चलता हूँ अपनी क्लास, क्लास इधर इज माई क्लास बेबी। भाई मेरी क्लास में क्लास खोल रहा हूँ ना अपनी, ठीक है, यहाँ से क्लास खोल रहा हूँ ना, बदतमीज एंट्री नहीं मिल रही भाई क्लास के अंदर होंगे। भाई तू ही छोड़ दे भाई, जिसको आते हैं पता नहीं कौन सी क्लास है अभी, कोई अभी मुझे खुद ही क्लास को छोड़ देगा बस करके। इंग्लिश की क्लास थी भाई, तो साइन कहाँ कहाँ जा रहा था? फालतू का सीन सुना, मैं चाड़े वाड़े मार दूंगा बता रहा हूँ मैं। With your tired eye, could you go early on yet? बहुत मारूंगा बेटा, ज़्यादा प्रीफेक्ट अगर ज़्यादा शाना बता। तो अभी फटाफट से यहाँ पर हमें वर्ड्स बनाने, लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ड्स बनाए थे, लेकिन लास्ट टाइम आप लोगों को बता दूँ मैंने वो क्लास 12 से कर ली थी और सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी थी, तो इसलिए हमारी इंग्लिश की क्लास नंबर 2 शुरू हो चुकी है अभी। तो गाइस अभी यहाँ पर ये इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट से अपने वर्ड्स बना लेते हैं। एफ आई जी एच टी, एक होता है फाइट, एफ आई टी एस फिट्स, फिट्स भी नहीं हुआ भाई। टाइम ओवर हो चुका है लेकिन हम लोगों ने कर लिया क्लास पास, और हो चुका है भाई हमारी वाली की क्लास। अब कोई भाई मैं होप, आई होप कि कोई और क्लास ना है भाई। यू हैव अर्न द एबिलिटी टू गिव बेटर शो कॉन्स गाइस, आप देख सकते हो कि क्लास लेने से ये होता है। प्रेस दिस एंड स्पेस टू शॉक टैंक। ओह सोशल बोनस लॉक गेट रिड ऑफ वुड बी बुलीज बाय यूजिंग योर शॉर्ट हॉर्न्स। अब जो फालतू वाले लोग हमने हमें आके चमाटे मार रहे होते ना, उनको हम लोग इस तरह से भगा सकते हैं। जैसे कि अब मैंने ये आया फालतू तंग कर रही स्पेस मार दिया, निकल यहाँ से, तो अब भाग गई वो। जैसे कि और बुली किड्स आते हैं ना इससे, तो ये देखो। ओ ओ नो नो नो, निकल 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 यहाँ से। भागो 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 भाई, ये प्रीफेक्ट मेरे पीछे फालतू में पड़ गया है। अभी मुझे अपना नया टास्क करना है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि गाइस ये प्रीफेक्ट मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। तो अभी फटाफट से भाई बाहर निकलते हैं, क्योंकि प्रीफेक्ट मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, ये हाथ धो के पड़ गए हैं, ये हाथ धोए बिना वक्त पड़ा है। तो अभी फटाफट से हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है शायद से दी कैंडिडेट। गाइस यहाँ पर गन स्टॉप पे एक रात नाइट वाला टास्क आया था, जो कि है दी डायरी, द डायरी। ये है 7 o'clock के बाद स्टार्ट होने वाला टास्क। ये 7 o'clock के बाद
स्टार्ट हो रहा है। दी कैंडिडेट का पता नहीं क्या मतलब है, शायद गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसी वक्त। इसके बाद से सही हो जाएगा, लेकिन मेरी ऑडिटोरियम में एंट्री क्यों नहीं हो पा रही है? कहते मुझे उसके लिए हमारा मिशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी फिलहाल ये वाला मिशन इस्तेमाल कर लिया और हमारी ये जो दोस्त है जिसकी अब उसका इबादत की थी वो रो रही है। तो अभी पता नहीं क्यों रो रही है, एंट्री पे स्कोर छोड़ दे रियर लो। अभी इसके लिए कोई चीज़ चुरा के लानी है शायद से, और हमें स्कूल के अंदर भाई ट्रेसपासिंग करनी है, और स्कूल के रियर विंडो जो है उससे एंटर होता है, तो फटा बच्चे एंटर होते हैं स्कूल के रियर बस। तुमने अगर मुझे मारा ना बेटा तो बहुत मारूंगा तुझे। व्हाट आई एम डूइंग यार, तो फटा बच्चे चलते हैं भाई उस स्कूल के रियर विंडो में एंट्री करने के लिए, लेकिन शायद से स्कूल की रियर विंडो बैक साइड पर है, तो फटा बच्चे चलते हैं बैक साइड पर। भाई तो वी एस को गुड बॉल मस्त है, स्कूल की रियर विंडो शायद से इसी तरफ है भाई, फोर है स्कूल की रेयर विंडो, शायद थ्री स्टेप से एंट्री है। यहाँ से हमें मारनी होगी मस्त सी जंप और चढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, और स्कूल की रेयर विंडो ऊपर की तरफ है, तो अभी यहाँ से बड़ा बच्चे ग्लाइंड करते हुए ऊपर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग चढ़ चुके हैं इसीलिए ऊपर, और यहाँ पर हम लोगों को ये वाली रेयर विंडो जो है वो ओपन करनी है। हम लोगों ने कर लिया वाली वो विंडो ओपन, और अंदर जा चुके हैं हम लोग स्क्रीन के, चेक द मैच विद ओ ओ नो 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 नो। यहाँ पर एक साथ मेरे पीछे पड़ चुके हैं भाई, इससे मुझे इसे जुड़ा नहीं बेटा, नो 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 भाई मैं मूवी थ्री नहीं मैं यहाँ पर भाई सर आने वाले हैं, जल्दी 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 अबे ओपन डोर, ओपन दी डोर मैन, ओपन दी डोर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ चेक द स्टाफ रूम। तो अभी फटाफट से मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये सर जो है मेरा पीछे नहीं घूम रहा होगा इतनी आसानी से, अभी मैं इसके चारों तरफ घुमाता रहूँगा। मैथरूम किधर है भाई, मैथरूम किधर है? अभी मैं फिलहाल यहाँ पर चलना होगा, जब तक सर आएंगे जब तक मुझे यहाँ से निकलना नहीं है बाहर, क्योंकि ये कोई ये प्रीफर क्यों है ना यहाँ पर घूम रहा है, और मुझे जाना है अभी मैथरूम में, क्योंकि स्टाफ रूम जो है वो तो लॉक है, मैथरूम जो है वो लॉक है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ रूम जो है वो पर वो मुझे अभी मिल रहा है, लेकिन परफेक्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे अभी जाना है मैथ रूम में, क्योंकि यहाँ से शायद से लेफ्ट साइड पर है। अगर परफेक्ट पीछे की तरफ जाएगा तो भाई ने यहाँ से अंदर एंटर करवा, लेकिन आपको मुझे पता नहीं किधर जाना है, अभी थोड़ा सा मैं बैथरूम तो हमारा होने वाला है लॉक, गेम ऑलरेडी लॉक है, अभी मुझे छुपना होगा इस डस्टबिन के अंदर। गाइस मैं यहाँ पर अभी बचते बचाते इन प्रीफेक्ट से यहाँ पर डस्टबिन में छुप चुका हूँ, और यहाँ पर से सामने से प्रीफेक्ट एक आ रहा है, और यहाँ पर सामने स्टॉप रूम, ये प्रीफेक्ट जब यहाँ से निकलेगा ना तो फिर मैं जाऊँगा भाई स्टॉप रूम के अंदर। इस प्रीफेक्ट को पहले यहाँ से निकलने देते हैं ईजीली, फिर हम लोग भाई स्टाफ रूम के अंदर एंट्री मार देंगे। ये प्रीफेक्ट जा चुका है यहाँ से और मैं निकल चुका हूँ इस डस्टबिन से, और मैंने स्टाफ रूम के अंदर मार ली एंट्री। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे शायद से कोने में स्टडी टेबल है, इसके ऊपर शायद से कुछ करना है, तो यहाँ पर से हमें निकालनी है डायरी, ये डायरी पता नहीं है किसकी, लेकिन मुझे यहाँ से ये डायरी निकालनी है। डेट्स न्यू जिमी बॉय सो बैड 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 बैड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो हमारे बारे में बुराई लिखी हुई है भाई। बीट्रीस तो उसी लड़की की डायरी थी है, और मैं अभी यहाँ पर चुपचाप से ट्रेस पासिंग कर रहा हूँ, तो अभी मुझे ये डायरी इसको देनी है। तो अभी यहाँ पर ये अभी फिर यहाँ से जाते हैं, तो वहीं मैं निकलता हूँ यहाँ से फावत से। तो अभी ये सामने की तरफ पे एक प्रीफेक्ट जा रहे हैं यहाँ से, मुझे इसके जाने से पहले पहले फावत से निकलना है। तो ये चला गया अपना वहाँ पर राइट साइड पे, और मैं चलता हूँ स्कूल से बाहर,
स्कूल के बाहर भी काफ़ी सारे प्रीफेक्ट लगे प्रीफेक्ट होंगे क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ है कर्फ्यू। ये प्रीफेक्ट जा रहा है भाई बॉयज़ डॉर्म की तरफ, तो मैं निकल लेता हूँ चुपचाप से गर्ल्स डॉर्म की तरफ, ठीक है। मुझे ये डायरी जो है वो बीटरा इसको देनी है गर्ल्स डॉर्म में, ठीक है, वो गर्ल्स डॉर्म में ही एक लड़की है। तो अब भी मैंने इसको ये डायरी देने लगा हूँ, थोड़ा बहुत से मैंने दे दी है इसको ये डायरी जो है इसकी डायरी, और वहाँ पर जिमी हमारे बारे में बुरी चीज़ें लिखी हुई हैं, और हमें कोई इस दफा रिवॉर्ड मिला है $20 का। और रात में चुपचाप से हम लोगों ने दिए, मैंने भाई स्टाफ रूम ढूंढना स्टाफ रूम मिलते, मैंने अब भी फटाफट से चलते हैं भाई सोने। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह सुबह में उठ 9:30 भाई ऑलरेडी हो चुके हैं, और सिर्फ हमारे पास एक घंटा है। 11:30 पे फर्स्ट क्लास जो है वो ओवर हो जाती है भाई। इसको इससे पकड़वा लेते हैं हमने आज, तो ये बोले तुम क्लास में ही नहीं गए अभी तक, घंटा ऑफर हो गया अभी क्लास में नहीं गए तुम लोग। मैंने अभी इसको रिवर्सल नहीं मारा, थोड़ा बहुत मैं चलता हूँ क्लास में। 8 की भाई पहले की याद फिर से वापस आ चुकी है, आप लोगों को याद होगा कि मैं फेल हो चुका था। Gentlemen, I'm Miss Phillips and it is my pleasure to induct you into the world of Oz. Okay, दादा बकवास नहीं कर, चली जल्दी कह रहे मैंने भाई। आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग मेरी लास्ट वीडियो देखी थी उन लोगों को तो पता ही है भाई इसमें क्या करना है। तो फटाफट से हम लोग बनाते हैं अपना, करते हैं स्टार्ट। तो ये हैं भाई एनिमीज, तो फटाफट से कंप्लीट कर लिया मैंने आधी की ताक। उसके बाद फटाफट से मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, और मैंने इधर भी की कंप्लीट कर ली है, और मैंने ले लिया इधर से पावर अप। पावर अपने एक मैंने कंप्लीट कर लिया इधर से भाई, इधर की पिक्चर और आधी इधर से पिक्चर कंप्लीट हो गई है। और अब करेंगे हम लोग इधर से यहाँ सा कंप्लीट, और ये वाली पिक्चर कर दी हमने कंप्लीट, और ये वाली पिक्चर हमने पूरी बना दी है भाई। हमारी पिक्चर हो चुकी है कंप्लीट, और हमारी आज की पहली क्लास भाई बहुत ही ज़्यादा इजीली पास हो चुकी है। पहले मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए मैंने आर्ट की क्लास पास नहीं कर पाया था। What are you doing? You have the ability to exchange a gift for a kiss. What are you boys so confusing? ये क्या है? क्या क्या करवा रहे हैं भाई हमसे? हम स्कूल पढ़ने हैं भाई साहब। Just for you. लड़कियों को फूल नहीं देने आए। Oh, Jimmy, that's so nice of you. Oh no 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 no. You've got something on your lips. Oh, ये क्या हो रहा है भाई? Do you think anyone saw? भाई हमें 25% health bonus मिलेगा। Done. What is this? यार ये कैसे अनलॉक हुआ? आर्ट क्लास लेने से ही होता है। ओ भाई साहब ये आर्ट क्लास बेकार है। तो अब भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले भाई हमारी कैंडिडेट जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही थी, लेकिन हम लोगों का नेक्स्ट आज चल रहा है जो कि है जी कैंडिडेट। फिलहाल ये टीचर पढ़ गया इसको तो ना भाई की तो इसको पकड़ो और उठो। ये खैर बात जैसे बहुत बदमाश बहुत बस। ओ ओ ओ सर 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 मैंने कुछ नहीं करा सर, सर बोलोगे सर। अभी तो फिलहाल ये मेरे पीछे पड़ गया, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमने कैंडिडेट वाला। ओ ओ ओ बहुत तेज पीछे पड़ा हुआ है भाई। हड़ी 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 जाओ। कैंडिडेट वाला मिशन किधर गया? कैंडिडेट वाला मिशन है नीचे की तरफ। तो फटाफट से चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो 1 AM पे शुरू, 1 PM पे सॉरी 1 PM पे शुरू होगी। तो अब भाई अब भी मुझे यहाँ पर सर ने पकड़ लिया, और ये मुझे छोड़ने वाला है क्लास में, क्योंकि क्लास का टाइम एकदम रोने लगा था, इसलिए मुझे पकड़ गया क्लास में छोड़ दिया। तो अभी हमारी जिम की क्लास नंबर 2 है भाई। तो फटाफट से यहाँ पर जिम की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर और जिम की क्लास में अभी यहाँ पर ये बोल रहा है हमें स्पीच दे रहा था। Offense controls, wide shape throws, clean jump, right control pass, or defense control score. Man, you feel the top as you live. If you hold on, then I'll not hold on the other beat. Base deck. Why are you here so high in the country? We are fitter. Don't have to go out, you don't. And I'm bad sticker. But not a crate of, you know, lose their body, right? Okay. Okay. Stop with telling you, you know, you know, it's safe. स्कोप आ रही है नंबर 1 और अब स्टीव आ रही है लाइक्स, और अब हम लोग 1 point जीत चुके हैं। इट्स गोइंग टू गेट देम। हमारा स्कोर 1-0 हो चुका है, हम लोग पहला राउंड जीत चुके हैं और सेकंड राउंड की बारी है भाई।
इससे मैं छीन रहा हूँ बॉल और ये मैंने मार दी इसको बॉल और अब पारी है भाई बॉल दोबारा उठाने की और मैंने इसको भी खींच दी ये मारी मैंने और ये अब मुझे दूसरे बंदे को दे दिए और अब इससे तीसरे बंदे को पास करिए अपने बंदों को मार रहे हैं भाई What they are doing here? The ends were. It's so weird. You're still staying here. Guys, come to ground for your thoughts again. After we have already helped any person. Was it defend on there, guys? Was it defend on there? Defend on anything else? Who thought Kelly were a loser? What are you on? You don't do any work. We have never went for that. All there is new. It's so good. It's got to be. Guys, we started to make a little bit. And then I'm pretty sad. Right in your bed. Oh, okay. Right shifts at catch up on. ओके स्पेस से डॉज है बात राइट सन वो दिखते नहीं राइट शिफ्ट सी हमें डमाना था कि कैच हो जाए ओके उसको जब जबरदस्त ये राइट शिफ्ट से होगा तो कैच होगा ठीक है ये बच चुका है स्टेफ टेफ ने लॉन्च कर लिया था अभी हमारे तेरह बंदे के बाद आ चुका क्रिस्को मार दिया और इससे बता रही है बस उसने कि हमने फिर से वन पास से पकड़ लिए और फिर गाइस रेड्स एरो आ रहा है ना गो अवे हम लोग आ गए डाल पा ये हम लोगों ने जी क्लास पास कर लिया इसमें हमें मूव्स वगैरह नहीं सीखनी थी इसमें हमें यू आर नो मोर एक्यूरेट विद योर वेपन्स ओके जो कि हमारे पास वेपन्स हम मोर एक्यूरेट हो चुके हैं और ये कहाँ है हम लोग ओके जिम के हम लोग बाथरूम में आ चुके हैं लेकिन हमें बाथरूम डाल नहीं यहाँ पर है अभी फिलहाल थोड़ा बच्चे चलते हैं भाई एक दिन में सिर्फ दो ही क्लासेस हो चुकी हैं होती हैं और हो सकती भी हैं क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन इतना लंबा होता है कि एक दिन में सिर्फ दो ही क्लासेस होती हैं तो अभी फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जो कि होने वाला है दी कैंडिडेट उसका मसला मैं हल करने वाला हूं अभी देखते हैं भाई उसका मसला कैसे हल होता है गाइस यहां पर अभी मैंने ये वाला मिशन दोबारा से स्टार्ट कर दिया और गेम वालों ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक कर दिया क्योंकि मुझे नीचे मैं हमेशा से भाई ये वाले इतनी दफ़ा मैं ऑडिटोरियम पर घुस रहा हूँ बार बार इधर ऑडिटोरियम हाँ इन्होंने मुझे ऑडिटोरियम में बोला था सिर्फ हमेशा मैं ऑडिटोरियम के अंदर जाता था लेकिन मुझे ऑडिटोरियम की बजाय यहाँ फंक्शंस पर इस एपी रूम के अंदर जाना था ना कि नीचे वाले ऑडिटोरियम में गाइस ऑडिटोरियम तो नीचे ही है वो देखो नीचे वाला जो गेट है वो नीचे स्टेज तक एक्सेस के लिए है लेकिन मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आया हूँ तो मुझे ऊपर वाले डोर से घुसना था यहाँ पर पता नहीं हम लोगों को क्या करना है भाई वेलकम ओके यहाँ पर भाई हम लोग को आई होप रीड्स वर्ड्स माय फ्रेंड्स वहाँ पर शायद गूंज रखते मार रहे हैं माइन हेल्प भाई यहाँ पर हाउ इसको लड़के परेशान करने आ रहे हैं और हम लोगों को You will not go past the side. Then the second one is on here. Down by the establishment, noble. भाई बिल्कुल अच्छा था मैं चुके यहाँ पर आए पढ़ते हुए लड़ो आया वो इन माई बजाते हैं ये बात सामने भाई इन लोग ये लोग अंडे मार रहे हैं परेशान कर रहे हैं यस आई आर हमारे ऑपरेशन इज हियर आर जस्ट फॉर फ्यू डेज अंडे यहाँ पर स्पीच दे रहा है उसकी स्पीच यहाँ पर ख़राब करने के लिए ये लोग आ रहे थे इधर तो थोड़ा वक्त इन लोगों को भाई अलदम कर से तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने इसको ईजीली भाई पिज़्ज़ा उन पुलिस से बचा लिया है और यहाँ पर इसकी सही जो है वो कंप्लीट होने वाली है और इसने सबको थैंक यू कर दिया है उसके बाद सब ने भाई चेयर अप किया है इसको यहाँ पर और अब हमारा मिशन जो है वो पान पोस्ट हो चुका है और नर्ड रिस्पेक्ट हमारी बढ़ चुकी है और हम लोगों को मिला है सुपर स्लिंगशॉट गाइस अभी ना मैं आपको सुपर स्लिंगशॉट का कमाल दिखाता हूँ ये देखो हम लोग इस तरह से स्कोप पोर्ट में जा सकते हैं और इस तरह से ये वाले स्कोप पोर्ट में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं तो अभी इस सुपर स्लिंग शॉट का तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है तो फटाफट से चलते हैं भाई अभी टाइम क्या हुआ है अभी हमारे नेक्स्ट टास्क का टाइम है जो कि हेलोवीन तो फटाफट से चलते हैं हेलोवीन टास्क करने के लिए बाकी ये भाई ये बंदे मेरे पीछे पड़े हुए इनको तो मैं बातें देखूँगा इन लोगों को भी कुछ काम करवाने तो फटाफट से नेक्स्ट टास्क के लिए हम लोग निकलते हैं स्कूल से बाहर तो गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन है अभी अपने जॉब स्टार्ट कर लिया है लाइन हियर व्हिच शी कैन बी मोर लाइक यू मेजर पायलट का सेट है और मेरा जो है वो या ही गेट्स रियल तो अपना स्केलेटन सूट पहना हुआ है जो कि हेलोवीन के लिए काफी ज्यादा तगड़ा है तो पावर से भाई सबने अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन लिए और ये बंदा आज के दिन भी मुझे छोड़ेगा नहीं मुझे मारने के लिए लगा हुआ भाई अभी भी तो छोड़ूंगा नहीं इसको भाई
ये हेलोवीन के दिन भी मुझे बहुत मार रहा है. All other days to get pranks. Find some pranks to play on another. भाई अभी हम लोगों को बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रैंक्स करने हैं. Doing this nerd. Yeah. All right. The lab student with kick me sign. Okay. भाई फिर मैं वो स्टूडेंट हर लैब पे हमने kick me sign पे. यार ये हमारे साथ साथ कर रहा है वो बंदा भी जिससे हमने. Pause. Hey there. What's your deal? Get another kick me sign. Okay, man. मैं यहाँ kick me sign लेकर आना है इस बंदे से. अभी इस बंदे से kick me sign लेते हैं उसके बाद पढ़ा बच्चे हैं. ओ भाई कितनी साइन देना मैं सब. I don't trust it. So nothing else. No, it's me from the trip, man. Okay. I didn't let myself in. So like if yesterday mom knows. Right. Oh, it's true. Somebody wants to meet Andy Gabber. Like if Ben will kick me साइन से हम लोग परेशान करते हैं या मात को. अब तो मैंने बहुत ज़्यादा मेरे बंदे पीछे पड़ना है. तो अभी फिलहाल सिटी स्टूडेंट को पकड़ते हैं और उसको किकपी साइन से हम लोग स्लैप करने हैं. वही अजीब अजीब से प्रैंक हैं जो हमें फालतू के प्रैंक करने पड़ रहे हैं. क्योंकि सारे लोग मेरे पीछे और ठीक है पता नहीं फालतू है मेरे पीछे पड़े हुए भाई. अभी तो फिलहाल किकपी साइन से हम सब स्टूडेंट को स्लैप कर रहे हैं. तो गाइस यहाँ पर पहला प्रैंक तो हमारा हो चुका है सक्सेसफुल. अब इस दूसरे बंदे से नीचे मिले ओके कि ये क्या करवाना चाहता है. भाई इसने हमें दिया है कार्टन ऑफ एग और ये बोलता है तीन बंदों को भाई हमें मार रहे हैं अंडे. तो भाई इजी है हम लोगों ने भाई तीन बंदों को मार दिए हैं अंदर. तो अभी हमारा ये वाला प्रैंक भी कंप्लीट हो चुका है और चलते हैं और लोगों की तरफ जो के लोग ऊपर प्रैंक्स करना चाहते हैं. भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रैंक्स की जरूरत है. भाई ये तीसरा बंदा हमारे पास आ चुका है. इसने भाई इतने सर में पंपकिन पहना है. ट्रिप वन स्टूडेंट विद थॉरबर्ग. ओके हम लोगों को किसी एक स्टूडेंट को मारबत से मारना था. दिस अभी फिलहाल फटाफट से इससे पहले पौधे में लेते हैं फिलहाल. अभी हवा I'll do it, honey. Okay. Fine. इस तरह हमें दे दिए बैग ऑफ मार्बल्स और एक स्टूडेंट में हमें मार्बल से गिराने. अभी फिलहाल यहाँ पर ये लोग लड़ रहे हैं इन लोगों के ऊपर ही भाई मार्बल यूज करके हम फेंक देते हैं साक्षी के लिए. हमारे तीसरा प्रैंक जो है वो हमारा पीट हो चुका है और फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने भाई नेक्स्ट प्रैंक की तरफ जो कि किसी रैंडम आदमी करवाना है. यहाँ पर है वो स्टूडेंट और भाई वहीं इधर भी इधर आ जाए. Sounds alright. Pick these present with sting bombs. Okay. Sting bombs इसने हमें दे दिए हैं और हमें तीन स्टूडेंट को स्टिंग बॉम्ब से मारा है. ओके जो स्टूडेंट हमारे अंदर एक हो गया ये हो गया सिंह साहब. भाई ये प्रैंक तो उसके बाद हमारा दो नो 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 भाई दे 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 नहीं बस ऑन हीरो व्हेन यू गाइस टोल्ड यू इससे थोड़ा दूर जाकर पहले इसको मारना है. ओके ओके या ये तुम स्टोर में मारने के एंड अब निकल. अब हम चलते हैं अपने चौथे पांचवें प्रैंक की तरफ जो के भाई ये बताएं. ये आमिर मैन लाइट फॉल टेनो फायर बाय दिस नियर सम ग्रेंस वो ये सीट नाउ और ये ओ भाई सब नहीं 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 सर सर एक मिनट भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया भाई. ये बड़ा लड़का इससे मैं नहीं लड़ा और मेरी हेल्थ भी अभी कम है तो इजीली मुझे गिराएगा. तो यहाँ पर ये जो चीज पड़ी हुई है इसको उठा लेते हैं और देखते हैं वो पीछे बंदा हमारे आ रहा है या नहीं आ रहा. मरने की फीट शर्म ना है. ओ ओ ओ यू दाउ स्टैंड बैक इन बॉल्स ऑफ फन जे चर्स की. भाई अब भी तो मैसेज यहाँ पर वॉल गया ना जा को फायर वॉल गया ना जला दिया लाइट वॉल गया ना और वो सबके भाई आगे पीछे फटा चुके हैं और मेरा फ्रैंक हो चुका है कम्पीट. द बिग फ्रैंक इज ओनली अवेलेबल ऑन हेलोवीन नाइट लीव एंड यू विल यूज Your chance to complete it. Okay? भाई यहाँ पर एक बड़ा प्रैंक आ चुका है जो कि इन्होंने बोला है हेलोवीन नाइट्स पे ही आता है सिर्फ वो यहाँ पर वो बड़ा प्रैंक आ चुका है. यहाँ पर ये कोई नई जगह खुली है द बिग प्रैंक. तो भाई इसको मैंने ले लिया है बिग प्रैंक को. ओके और यहाँ पर गैरी और एक और लड़का हमारे साथ है. अभी फिलहाल हमें प्रोटेक्ट गैरी फ्रॉम चैट. भाई चैट से हमें मुझे बचाना है क्योंकि गैरी उसके डॉग को मार रहा है. अभी यहाँ मरती है बस देखो ऑफ नहीं गैस वो तो पैनिंग हम उन पे अभी चलते भी तो आ जा अब आए अब आ ये ले ये पकड़ ये पकड़ा इसको मैंने ये खिला रहा और ये एक दो तीन चार पाँच छः सात तीन और टू विद ये ले पकड़ गो बॉस लेट्स गो बॉस ऑल द लिटिल ट्रिक फॉर फ्री. तो भाई इसके डॉग को हम लोगों ने खिला दिया है कुछ अजीब सा खाना उससे भाई कुछ करेगा.
ओ भाई साहब, इसने यहाँ पर फॉर्चून डाला है भाई, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। और अभी हमें कुछ करना है भाई, हमने उसके पोर्शन को बैग के अंदर बंद कर दिया गैरी ने, और अभी इसकी हमें पोर्शन जो है वो टीचर्स लाउंज में रखकर आना है। भाई ये तो सही बिग प्रैंक है इसका, और सही में नाम बिग प्रैंक था। तो गाइस अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं भाई स्कूल के अंदर, और फटाफट से हम लोगों को टीचर्स लाउंज में जाना है, जो कि यहाँ पर ही है। लेकिन यहाँ पर प्रीफेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं भाई, यहाँ पर हेलोवीन नाइट है तो कोई प्रीफेक्ट्स वगैरह यहाँ पर होंगे नहीं। वो ये टीचर्स लाउंज नहीं है गाइस, टीचर्स लाउंज शायद से मुझे याद है नीचे वाले फ्लोर पर था, मैं शायद गलत फ्लोर पर आ चुका हूँ। टीचर्स लाउंज यस, उसने मुझे साइन दे दिया है, टीचर्स लाउंज नीचे वाले फ्लोर पर है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे उसी साइड पे चला गया था गलती से, तो यहाँ पर टीचर्स लाउंज हो चुका है, आ चुका है। और अब हमें फायर अलार्म पुल कर देना ताकि सारे टीचर्स वगैरह स्टाफ रूम से बाहर हो जाए। ओके अब यहाँ से भागो भाई, यहाँ पर जिंक्स हमारा ट्रेनर जो है वो बाहर आ गया, और उसके ऊपर ऊपर खड़ गया, उसके सारे पाँव भी जल गए। हमें मिल चुका है रेड निंजा को, वो मिला वो मेरे पीछे पड़ेगा। ठीक है अभी यहाँ से निकलना होगा मुझे, वो मेरे पीछे ही आ रहा है। जल्दी 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 जल्दी, कमन 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 कमन, जल्दी 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 हम लोग फटाफट से भागेंगे यहाँ से, क्योंकि स्केटबोर्ड ले ले, स्केटबोर्ड स्केटबोर्ड फटाफट से, स्केटबोर्ड ले चुका हूँ मैं, और फटाफट से चलते हैं भाई सोने। गाइस मैंने अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर लिया है, और कोई मेलबर्न नाम के स्टूडेंट है भाई यहाँ पर, जिसका कोई ड्रामा वगैरह जो है वो प्ले होने वाला है, या वो लोग कोई एक्ट प्ले करने वाले हैं। तो वहाँ पर जो है, ओ भाई साहब ये मार्वल्स किसने गिरा है यहाँ पर, ये पक्का ही ये बच्चा है। इसके पीछे मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि गाइस आप लोगों को स्टोरी बयान करता हूँ, उसकी जो कैरेक्टर शीट्स हैं जिसमें उसने हर एक कैरेक्टर के नाम लिखे हैं भाई, वो जो है शीट्स कुछ डिफरेंट टाइप के बच्चों, डिफरेंट टाइप के बुलीज लड़कों ने चुरा लिए भाई। तो वो एक एक कैरेक्टर शीट्स हम लोगों को उनको वापस ला के देनी है, टोटल 4 कैरेक्टर शीट्स हैं भाई। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए बंदो, उसने उसके ऊपर स्टिंग बॉम्ब्स मार दिए। ये मेरी लड़का मेरी मदद कर रहा भाई, ये जो ग्रीन स्वेटर वाला बंदा है, इसने यहाँ पर इसके स्टिंग बॉम्ब मार दिए। अभी फिलहाल इसको करीब से बिल्कुल मारते हैं स्लिंग शॉट, एक लगा और ओ ओ ओ भाई साहब सर नहीं पीछे पड़ने चाहिए, नो नो सर 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 सर, ओ भाई साहब ये सर मेरे पीछे क्यों पड़ गया, सर जी मैं नहीं हूँ, इस सर जी को चकमा दे के आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अभी हो चुका है क्लास का टाइम, इसलिए सर जी मेरे पीछे पड़ चुके हैं। ओ ओ ओ सर जी वहीं से ही आ रहे हैं, मैं पूरा रूट घूम के चलता हूँ भाई फटाफट से। यहाँ पर मेरे पास स्केटबोर्ड है, मैंने स्केटबोर्ड निकाल लिया और फटाफट से चलते हैं भाई पीछे की तरफ घूम के। यहाँ पर भी एक परफेक्ट खड़ा हुआ है, लेकिन वो मुझे इतना कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि ओ पीछे पड़ रहा भाई, पीछे आ गया, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। जब भी गाइस म्यूज़िक आता है जब भी इसलिए तब भी वो पीछे आता है। ओके अब मैंने इसको देख लिया यहाँ पर, अरे भाई साहब ये मुझे वापस सर की तरफ लेके जा रहा है। अब इसको मार्बल्स मार के ना इसको गिराऊंगा मैं, ये तो गया मेरे हाथों से। अब ओके 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 इसके साथ ही मैं नीचे कूदूंगा और इसको पागलों की तरह मारूंगा। भाई साहब ये तो बहुत तेज है यार, फटाफट से स्लिंग शॉट निकाल लेते हैं, यहीं खड़े खड़े इसको मारते हैं, फटाफट से भागते हैं भाई इसके पीछे। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ना दिमाग ख़राब करा रहा है मेरा। गाइस यहाँ पर जब मैं पहुँचा सेकंड कैरेक्टर शीट लेने के लिए, तो भाई यहाँ पर ये बच्चा जो है वो इसको बुली कर रहा था और उसको उसकी कैरेक्टर शीट नहीं दे रहा था, जो ड्रामे के अंदर उसका कैरेक्टर है जिसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है भाई, वो कैरेक्टर शीट्स हम लोगों ने 2 जमा कर ली हैं। और चलते हैं थर्ड बुली के पास, जो कि भाई अभी फ़िलहाल हमारी क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए भाई इस पूरी हर टाइम प्रीफेक्ट्स की नज़र हमारे ऊपर ही है, तो प्रीफेक्ट से बड़ा से बच के चलते हैं थर्ड कैरेक्टर शीट लेने के लिए, जो कि भाई थर्ड बुली के पास होगी, वो यहाँ से शायद से गैराज की तरफ है। बस मुझे प्रीफेक्ट ना देखे, मैं चुपचाप गैराज के अंदर एंटर होते हुए उससे वो कैरेक्टर शीट छीन के लाता हूँ। अभी फटाफट से अपने पाँव पर ही भाग करके चलते हैं भाई फटाफट से यहाँ पर अंदर। ओ किधर है भाई, ओ उस साइड पर है शायद से। ओ ओ भाई साहब तुम लोग मुझे मारोगे, आओ मूव दिखाता हूँ, ये ले तू भी ले गया, ये तो गया। अब इसको पकड़ के मारता है, तू गिर, 1 2 भाई साहब
अबे मुझे नहीं मारना था मोटे, एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। ये ले भाई, चौथी कैरेक्टर, तीसरी कैरेक्टर शीट हमने यहाँ पर ले लिया और फटाफट से चलते हैं भाई चौथे कैरेक्टर के पास, चौथे बुली के पास, जो कि हमारी कैरेक्टर शीट, जो कि उसकी कैरेक्टर शीट लेके बैठा हुआ है भाई। तीन कैरेक्टर की स्क्रिप्ट जमा कर ली है, चौथे कैरेक्टर की स्क्रिप्ट जमा करने के लिए उस बुली के पास जाना पड़ेगा भाई। मैं अभी पहुँचने वाला हूँ चौथे कैरेक्टर के पास, फटाफट से यहाँ से कर लेते हैं हम लोग जंप। हम लोग यहाँ से जंप करके इधर आ चुके हैं और ये दो बंदे इधर भाई। You got a Melvin's. Okay, Melvin की कैरेक्टर शीट थी Melvin. अब इनको फूटना पड़ेगा भाई। He kicks you in the nuts, then you kick him in the nuts until you give up. If you win, you get the sheet. If not, we keep it. Okay? भाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं फाइट करो, अगर तुम जीत गए तो कैरेक्टर शीट ले लेना, अगर तुम हार गए तो यहाँ से निकल जाना। भाई इन्होंने हमें बहुत ही गंदा मार दिया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये ले, कल यहाँ से ले ली मैंने चौथी कैरेक्टर शीट और एक को मैंने दो भी डाला यहाँ पर फटाफट से। भाई फटाफट से चलते हैं अब Melville को उसकी कैरेक्टर शीट देने के लिए, जो कि बस यहीं पर ही था भाई। ओके, मैं लाइब्रेरी के पीछे वाले साइड पे गया था, Melvin ये भी लाइब्रेरी के पास खड़ा हुआ था, उसको मैंने दे दिया भाई ये उसकी कैरेक्टर शीट। ये ले भाई, अब तेरा ड्रामा बहुत अच्छी तरह हिट होगा। ओके, अब मेरे पैसे निकाल फटाफट से, $10 हो चुके हैं मेरे पास भाई। इतने कम पैसे, इतनी जगह सफ़र किया मैंने तेरे लिए, कल यहाँ से। तो गाइस अब भी हमारी क्लास का टाइम जो है वो मैप में देख लेते हैं भाई, क्लास का टाइम। गाइस क्लास तो हमारी ओवर हो चुकी है अभी, आज की क्लास हमारी मिस हो चुकी है बल्कि, क्योंकि 4:30 पे वो क्लास ओवर हो जाती है, 1 to 3:30 पे सेकेंड क्लास होती है और सुबह 9 AM से 11:30 AM तक फर्स्ट क्लास होती है। तो अभी वो दो क्लास, दूसरी सेकंड क्लास तो हमारी मिस हो चुकी है। फटाफट से हम लोग नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं अपने, जो कि होने वाला है हेल्प गैरी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो चुकी है भाई मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ भाई, अभी तो शाम के 5:30 बज रहे हैं। इसकी तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे गाइस, इनको पकड़ के अभी डस्टबिन में बिठाना पड़ेगा। चल मेरे साथ, ठीक छुड़वाएगा, ये ले पकड़ फिर से, इसको पकड़ के गाइस डस्टबिन में बिठाऊंगा मैं। ओ चलो, मेरा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है, हेल्प गैरी। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा पागल है, पता नहीं इसको दोस्त क्यों बना लिया जिमी ने अपने साथ। तो फटाफट से अभी हमें गैरी को फॉलो करना है, गैरी ने बोला है भाई फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, अगर कोई रास्ते में पड्डा वड्डा हुआ तो भाई स्लिंग शॉट से उनको सबको लपेट देंगे। तो अभी फटाफट से स्लिंग शॉट अपने हाथ में रख लेते हैं, अगर कोई रास्ते में फटा वड्डा हुआ तो सबको भाई लपेट देंगे स्लिंग शॉट से। गैरी इसी तरफ जा रहा है और वहाँ पर शायद तीन बंदे हैं, मुझे लग रहा है उनको पीटना होगा, तो अभी यहीं से उनको पीटना शुरू करते हैं भाई। ओ ओ ओ, करीब आ गया भाई, अब स्लिंग शॉट की ज़रूरत नहीं होगी, अब खाली इसको मारना पड़ेगा। ओके 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 ओके, मारो मारो मारो, ये चीज़ इसको गिरा दिया है, अब उनकी बारी है। ओ गैरी की हेल्थ कम कर रहे हैं साहब, ये स्लिंग शॉट से मारेगा, इसको पहले लपेटता हूँ। अब दूसरा वाला किधर है? अबे भाई साहब, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तो मुझे मार रहे हैं। ओ ओ ओ, गैरी को फूटता है, गैरी को फूटता है, देरी तो क्या होता है, कूट गैरी इसको, कूट इसको, लेकर चलो इधर से, इसको पकड़ो। अरे भाई साहब, वी मेड इट ब्रेक थ्री सो अबाउट वी गैरी बाय द बेसमेंट, बाय द बेसमेंट। ओके बेसमेंट इस तरफ है, यहाँ पर गैरी ने हमें क्यों बुलाया है? एम्प्लॉयज ओनली, पर हम क्यों उधर जा रहे हैं भाई, कोई चोरी वोरी तो नहीं करनी यहाँ पर? शायद हमें बच के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज ओनली लिखा हुआ था, एम्प्लॉयज़ की जगह है। फटाफट से यहाँ से इस लेवल को नीचे डाउन कर देते हैं ताकि ये गेट ओपन हो जाए। फटाफट से हम लोगों को इस गेट से चलना आगे की तरफ। द केज, दैट केज वाज नॉट लॉक्ड बिफोर, इसको कैसे पता भाई? ओ यहाँ से शायद हमें लीवर नीचे करना है, तो फटाफट से इधर से जंप मार के अंदर चलते हैं। लेकिन इसको कैसे पता भाई कि केज पहले लॉक नहीं था?
हम लोग आज तक यहाँ नहीं आए, हमने बड़े बड़े लड़कों को मारा है भाई, हम लोग आज तक इस बेसमेंट के अंदर नहीं आए, ये कैसे आ गया भाई? मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इस बेसमेंट के अंदर एंटर कैसे हो गया और हमें भी ये लेकर आया भाई। तो ये कह रहा है कि हम अंदर तो नहीं जा सकते, हमें कुछ चीज मारनी पड़ेगी। तो फटाफट से स्लिंग शॉट का स्कोप मोड के अंदर एंटर होते हैं। दैट्स व्हाई गेम वालों ने भाई स्कोप मोड हमें दिया था। ओके ये हमने ब्रूम पर मार दिया जो कि बटन के बिल्कुल बराबर में ही रखा हुआ था, उस ब्रूम के ऊपर मारा तो वो ब्रूम गिर के बटन को प्रेस कर दिया है। इसके अंदर जाना है लेकिन बहुत वो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ स्पार्क हो रखा है भाई। अभी यहाँ से क्रॉल करके फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई क्रॉल कैसे कर रहा है इस तरह से, शाम भी क्रॉल नहीं करता भाई। तो फटाफट से इधर जैसे ही मैं आया वैसे ही स्पार्क खत्म हो गया, शायद से उसने वहां से बटन बंद कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ से हम लोगों ने ये बड़ा वाला गेट खोल दिया है और गैरी कह रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट वहां पर ही हैं। तो फटाफट से गैरी ने वाला गेट खोल दिया है। नो गेट नहीं खोला, हमें क्रॉल करके ही जाना पड़ेगा। ओके भाई साहब यहाँ से कर लेते हैं फटाफट से हम लोग बाहर की तरफ क्रॉल और फटाफट से हम लोग गैरी के पीछे पीछे चलते हैं। ओके व्हाट इज दिस, अ स्टीम लीक, आई हैव हर्ड दोस हैपनिंग बट आई हैव नेवर बिफोर। और यहाँ पर पम्पकिन पड़े हुए 2 of 27। ओके पम्पकिन को फटाफट से हम लोग फोड़ देते हैं यहाँ पर। ओके गाइस मैंने पम्पकिन 27 के 27 लात मार के फोड़ दिए हैं और कोई सीक्रेट अनलॉक हुआ है पम्पकिन हेड। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम अगर लीवर को नीचे करेंगे तो शायद से ओ डेट फायर एक्सट्रीब्यूशन इन प्ले व्यू मे बी डेट कुड बी यूज टू कूल द फर्नेस। ओके फायर एक्सट्रीब्यूशनर कहाँ पर रखा है ताकि उससे हम लोग आग जलाएं। यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। लोअर इफ यू कुड लोअर द फर्नेस टेम्परेचर कीप स्प्रिंग अंटिल द फर्नेस कूल्स डाउन। ओके ओके हम लोग स्प्रे कैसे करेंगे। ओके यहाँ पर स्प्रे हमने कर दिया है और यहाँ पर फायर बुझ चुकी है। ओके गाइज यहाँ पर जो आग चल रही थी ना भाई, वो उसका धुआं सारा इस गेट पर आ रहा था तो वो हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। तो हमने उस फायर को बुझा कर यहाँ से धुआं खत्म करवा दिया और फटाफट से भाई ये कौन सी जगह है और स्कूल का बेसमेंट इतना बड़ा है। अभी ये यहाँ पर कहाँ पे लिया है, इट्स राइट डाउन देयर। यहाँ पर हमें कहीं लिया है, क्या करवाने लाया गाइस ये यहाँ पर हमें। Saturn, Jimmy Boy. Here we are, the hole. The place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff, and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is okay. Where I stand up to you, my friend. My friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy Boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? भाई यार इसके बारे में कुछ बात ही नहीं बोली है, ऐसे बकवास कर रहे हैं। I want to run this school. भाई ये स्कूल का डॉन बनना चाहता है। ओके भाई तू हमेशा से गंदा था और गंदा है, हम लोग बनेंगे इस स्कूल के डॉन, समझ में आई? कौन सा ये रोशन यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रेजेंट और क्लास प्रेसिडेंट वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और भाई और कुछ भी लड़के खड़े हैं यहाँ पर। That little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barn guard animals. What? भाई गैरी ने हमसे ये सारे काम करवाए ताकि वो हमसे रसल को भिड़वा सके और हमारा गेम यहाँ पर एंड करके रसल से हमें पिटवा सके। ओके ओ भाई साहब रसल तो बहुत कूद रहा है हमें। ये मुझे बहुत तेजी से टकरे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। ये देखो गाइस अभी आएगा और अभी ये अपनी टकरों से घुरेगा भाई, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट ओके अब इसको मैं फूटूंगा। अब इसकी हेल्थ कम हो चुकी है तो अब मैं इसको मार सकता हूँ। तो अब मैं इसको बहुत तेज मारूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गाइस टकरे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है भाई। इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, अब मैं इसको सीधा मुक्के बजाऊंगा। सीधा मुक्के
और भाई रसल को हमने फाइट में फाइनली हरा दिया है भाई। बहुत जोर जोर के टकरे मार रहा था, बहुत क्या रहा था, लेकिन मैं इसकी टकरे से डॉच करता गया और डायरेक्ट ये दीवार में भिड़ा और हल्का हल्का इसके स्लिंग शॉट भी मार रहा था साथ साथ, ताकि इसकी स्लोली स्लोली पावर कम करते करते गाइस मैं बहुत देर से इसकी पावर कम कर रहा हूँ और अब मैं जाके इसकी पावर कम करके इसको आखिर तक लाया और हरा दिया फाइनली। इस गैरी के बच्चे को तो नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, हम इसकी मदद करने नहीं, अपने आप को खुद एक गड्ढे में गिराने आए थे और हम लोग उस गड्ढे से निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे हमें ओके भाई, हम लोगों ने रसल को उठाया है भाई, हम लोग बहुत ही ज्यादा दिल के अच्छे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वर फार्म योर एनिमल्स, यू डिड इट, नो बट आई वांट यू टू स्टॉप बुलीइंग वीक किड्स। ओके यहाँ पर हमने इसे बोला है कि अब ये छोटे बच्चों को परेशान नहीं करेगा और हम लोगों ने इसके बारे में कुछ भी मजाक नहीं उड़ाया, इसको कुछ भी नहीं बोला, इसके घर वालों को कुछ भी नहीं बोला, वो सारी की सारी भाई गैरी की साजिश थी जो कि इसको झूठे झूठे नाम लगाता था हमारे आगे कि हम लोग इसके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं और इसको फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, इसलिए रसल बार बार आके हमें कूटता था भाई। ये गैरी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है जो कि हमें गड़वाना चाहता है भाई। वेलकम टू चैप्टर टू गाइज With Russell pacified, I could be, but this place is a rotten onion. Stinking lair, and there's another even smellier. Okay, guys, school का जो main gate है वो खुल चुका है, अब हम लोगों के पास बाहर का access भी है। भाई साहब रसल को हरा कर हम लोग पल चुके हैं रसल से ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बच्चों के सामने हमारी पुतली और नर्वस बैटल सारी की सारी बढ़ चुकी है और यहाँ पर प्रिंसिपल से हमारी बात हो रही है। No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. भाई प्रिंसिपल को भी गलत गलत गैरी ने नाम लगाया। Guy that beat up Russell. So, what's it to you? Hey, listen. We like to box the noble. भाई रसल इस स्कूल का सबसे ज़्यादा अपनी गैंग का सबसे बड़ा बंदा था, उस वाइट गैंग का जिन्होंने वाइट टी-शर्ट्स पहनी हुई है। तो हर कोई बात कर रहे हैं कि भाई जेमी ने रसल को मार दिया है। तो अब यहाँ पर सब लोग हमसे बात करने आए, ये कोई नए स्वेटर टाइप इसने पहना हुआ है, ये किसी और ग्रुप का लग रहा है मुझे। भाई साहब अपी गैरी ने हमारे प्रिंसिपल के नाम से प्रिंसिपल को भी ना भाई हमारा गलत गलत नाम लगाया था। ओए वाइट गैंग वाले तू जो पिटेगा अब। अब गाइज ये देखो, पहले ही जब भी ये वाइट टी शर्ट वाले हम लोगों को मिलते थे ये हमें मारते थे, अब ये हमारी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि इनके बॉस रसल को हम लोगों ने बहुत ही गंदी तरह पीटा एक फाइट के अंदर। गाइस वो बहुत ही तेज इस तरीके से भाग कर आ रहा था, बहुत ही तेज आ रहा था और वो सीधा भाई मैंने डॉच करा वो दीवार में भिड़ पा गया। इसी तरीके से गाइस उसकी पावर कम करनी थी और इसी तरीके से मैंने उसकी पावर कम करते करते हल्का बहुत उसका स्लिंग शॉट मारा और उसको एंड तक ले आया। फिर जब वो एग्जॉस्टेड हो गया उसके बाद मैं उससे लड़ा भाई। तो अब भी फिलहाल शायद से क्लास का टाइम हो चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जाके ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस लेटर।